फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन नॉलेज चैनल। तो आज हम बात करेंगे दैनिक उपयोग के लिए 10 अंग्रेजी मुहावरे और वो भी हिंदी अनुवाद के साथ। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट 10 इंग्लिश idioms फॉर डेली यूज इन इंग्लिश conversations विद हिंदी ट्रांसलेशन। और ये सारा वीडियो हिंदी में होगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। So, पहले हम बात करेंगे A drop in the ocean. इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, meaning an insignificant amount, a very small amount compared to the amount needed. 100 rupees just a drop in the ocean, but if everyone contributes that much, it will make a big difference in overall charity amount. जो अगला idiom है, that is a blessing in disguise. Meaning, दुख के भेष में सुख का आना. And misfortune that eventually result in something good happening later on. और इसका example देखें तो, losing the job turned out to be a blessing in disguise for him. As it forced him to start his own successful business. Next idiom is, it takes two to tango. एक हाथ से ताली नहीं बजती है. Meaning, certain actions or activities cannot be performed alone. They need two people to participate. मतलब जो activity सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं होती, इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डोंट ब्लेम अजय फॉर द फाइट, इट्स टेक्स टू टू टैंगो, यू आर इक्वली गिल्टी इन दिस एक्ट। नेक्स्ट idiom इज किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। दोस्तों, यहां घबराने की बात नहीं है, हम यहां किसी पंछी को नहीं मारे हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है एक पंथ दो काज, मीनिंग accomplish two different things at the same time. एक टाइम पे दो काम करना, उसके लिए हम ये वाला idiom use करते हैं। For example, I have to go to the market to purchase groceries and on the way back I will catch up with my friends as well. Killing two birds with one stone. Next idiom है piece of cake. यहां हम किसी खाने वाली आइटम की बात नहीं कर रहे हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है ऐसा काम जो बहुत आसान हो, मीनिंग वेरी इजी टास्क। फॉर एग्जाम्पल, दिस एग्जाम विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू एज यू हैव ऑल द नॉलेज नीडेड टू क्लियर दिस एग्जाम। और दिस असाइनमेंट वॉज रियली अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट idiom इज कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। Means, बहुत महंगा होना। इसको अगर हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हो और उसे लेने के लिए बहुत मेहनत और पैसा लगे। For example, the luxury car had cost him an arm and a leg. Next idiom is once in a blue moon. इसका मतलब होता है कभी कभार, कोई ऐसा काम जो बहुत कम और कभी कभार होता है, meaning very rarely. For example, I am not very fond of cinema. I only go to cinema once in a blue moon. Next idiom is when pigs fly. पिग्स फ्लाई का मतलब होता है ऐसा काम जो असंभव हो, क्योंकि आपने कभी पिग्स को उड़ते नहीं देखा होगा। सो इट्स मीनिंग इज असंभव होना, मीनिंग समथिंग दैट विल नेवर हैपन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पिग्स फ्लाई शी विल क्लीन अप हर रूम। नेक्स्ट idiom इज फील अंडर द वेदर।
और यहाँ पे भी हम किसी मौसम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसका हिंदी में मतलब होता है अस्वस्थ होना, मीनिंग टू नॉट फील वेल. फॉर एग्जाम्पल आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे एज आई हैव अ सीवियर हेडेक. नेक्स्ट idiom इज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे. इसका मतलब होता है हिंदी में ऐसे कहते हैं हथेली पर दही नहीं जपती, कोई ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत टाइम लगता है. मीनिंग एन एडमायरेबल रिजल्ट्स ऑलवेज टेक टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल द स्पोर्ट्स मैन वर्क हार्ड टू विन गेम्स, द रोम वॉज आफ्टर ऑल नॉट बिल्ड इन वन डे. सो दोस्तों अगर आप चाहें तो ये 10 मुहावरे या idiom इंग्लिश में यूज करके दूसरों को अपने इंग्लिश में अच्छा होने का सबूत दे सकते हैं, तो आप भी इसको यूज कीजिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.